दोस्तों, आज हमारे विज्ञान ने हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है और हमारे पास सुविधा की हर वो चीज मौजूद है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आज से करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज अपना जीवन यापन कैसे करते थे? हम आज जो कपड़े पहन रहे हैं, जितना अच्छा खाना खा रहे हैं, ये सब पहले नहीं था। पहले का इंसान अपने शरीर को पेड़ पत्तियों से ढकता था, खाने में कच्चा मांस खाता था, पेड़ों के नीचे और गुफाओं में रहकर अपना जीवन गुजारता था और ऐसे ही अपने वंश को आगे बढ़ाता था। दोस्तों, हम इंसानों का इतिहास काफी पुराना है और आज हम जहाँ भी रहते हैं हमें उस वातावरण की आदत पड़ जाती है। या हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, आज की वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले तक हमारी इस खूबसूरत धरती में विशालकाय डायनासोर्स का राज हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराया और डायनासोर्स की मौत की वजह बना। उस टकराव के दौरान हर वो जीव खत्म हो गया जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा था। बचे सिर्फ वही जो जमीन के अंदर रहा करते थे और वो थे मैमल्स, यानी कि स्तनधारी जीव। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम मनुष्य भी स्तनधारी हैं और आगे चलकर आदि मानव यानी हमारे पूर्वज इन्हीं के विकसित रूप थे। वैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 40 लाख साल पहले आदि मानव काल की उत्पत्ति हुई थी। जब इनकी उत्पत्ति हुई उस समय उनको रहने और खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं था, न तो उन्हें खेती के बारे में पता था और न ही आग के बारे में, और न ही उन्हें कोई सामाजिक ज्ञान था। आदि मानव काल के समय वो झुंड में रहा करते थे और कहीं भी संभोग करने लग जाते थे और उसी झुंड के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ते थे। भोजन के लिए वो जानवरों का शिकार किया करते थे और अपने उस शिकार को वो ऐसे खाने लगते थे मानो जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को मारने के बाद खाता है। क्योंकि उस समय तक न तो आग का आविष्कार हुआ था और न ही किसी औजार का आविष्कार हुआ था। इसके अलावा कपड़ों के लिए वो पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करते थे। समय के बीतने के साथ उन्होंने जानवरों को मारकर उनकी खाल का प्रयोग कपड़ों के रूप में करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आदि मानव काल से पहले जो मैमल्स हुआ करते थे वो दिखने में चूहों की तरह थे, पर वो पूरी तरीके से चूहे नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उनके शरीर में एक अलग तरह का बदलाव देखने को मिला था और जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी वो पहले से ज्यादा सीधी और लंबी हो गई थी। मैमल्स की रीढ़ की हड्डी में इतना बदलाव आ गया था कि अब उन्होंने 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उनके सर का ऊपरी भाग भी पहले से ज्यादा चौड़ा हो गया था। वैसे तो शुरुआती दौर में मैमल्स शाकाहारी थे, पर कुछ समय बाद मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर ली थी और छोटे जानवरों पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जिसके थोड़े ही समय बाद धरती अपने उस स्वरूप में आ चुके थे जैसा कि हम धरती को आज हरा भरा देखते हैं। कहने को तो अब धरती पर सब कुछ था, पर अभी भी एक प्रजाति की कमी थी जो प्रजाति आगे चलकर पूरा इतिहास बदलने वाली थी। इसके कुछ समय बाद अफ्रीका के जंगलों में एक नई प्रजाति देखने को मिली जो थी एक विशेष प्रकार के बंदर जिन्हें पैरोलापेथिकस या पेरोला कहा गया, और हम मनुष्यों की शुरुआत इसी ग्रेट एप यानी बंदर से हुई। ये बंदर पेड़ों पर रहा करते थे और फल खाया करते थे। इनका वजन बहुत ज्यादा होता था जिसकी वजह से ये एक पेड़ की डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी अपने 2 पैरों पे भी खड़े हो जाया करते थे, ये चल सकते थे। दोस्तों, हम लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने सीधे चलने की शुरुआत जमीन से की, लेकिन असल में हमारे पूर्वजों ने चलने की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि पेड़ की डालियों से की थी। बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि इन्हीं एप्स की खोज थी। आगे चलकर यही एप्स जलवायु और जगह के हिसाब से बदल गए। कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हो गए। ये एप्स पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे और उस दौरान समय समय पर बारिश भी होती रहती थी जिससे इन्हें पीने का पानी मिलने के साथ ही इनका जंगल भी हरा भरा हो जाता। लेकिन जब अफ्रीका में अचानक बारिश बंद हुई और अकाल आया तो जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। क्योंकि जंगल के सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसी वजह से खाने की तलाश में ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर कदम रखने लगे। और जैसे ही इन्होंने जमीन पर कदम रखा, ये कहलाया आर्डिपिथिकस रामिडस। और दोस्तों, यही हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास का सबसे पहला कदम जमीन पर रखा, और आज इन्हीं की वजह से हम चांद पे भी अपना पहला कदम रख चुके हैं। वो पहले आदि मानव रूपी जीव थे जो भोजन और घर की तलाश में पेड़ों से नीचे उतर कर आए थे। अब तक ये जीव अफ्रीका के हर कोने कोने में पहुंच गए थे। इनकी संख्या काफी बढ़ चुके थे। ये दिखने में सामान्य आदि मानव ही थे, पर पेड़ों पर झूलने की वजह से इनके हाथ अभी भी सामान्य से ज्यादा लंबे थे। इनके हाथों की लंबाई इनके पैरों की लंबाई के बराबर ही थे और इनके सर का आकार छोटा था। कुछ हजार सालों तक इनका जीवन यापन ऐसे ही होता रहा, पर इस दौरान इनकी शारीरिक बनावट में काफी बदलाव आए। जैसे अब ये और अच्छे से चलना सीख गए थे
पेड़ों पे रहने की जगह अब इन्होंने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। अब इनकी देखने की क्षमता काफी दूर तक हो गई थी और ये शिकार को दूर से ही पहचानने लगे थे। समय के साथ साथ इनके शारीरिक ढांचे में भी काफी बदलाव हुआ और ये बदलाव इनके चेहरे में साफ दिखने लगा था। इनका सर पहले की अपेक्षा में बड़ा हो गया था, जिससे इनकी बुद्धि का विकास भी पहले से ज्यादा हो गया था। एक बार पत्थर से पत्थर को पीटते हुए इन्होंने देखा कि पत्थर नुकीला होता जा रहा है और इसकी धार पड़ रही है। फिर इन आदि मानवों ने शिकार के लिए और हथियारों का आविष्कार किया। पत्थरों से पत्थरों को पीटते समय इनके हाथ भी मजबूत और कठोर होने लगे। इस समय के आदि मानवों को होमो हैबिलिस कहा गया। कुछ समय बाद हथियारों को बनाते समय इन्होंने पत्थर से पत्थर पर चोट मारने पर पत्थरों की रगड़ से चिंगारी निकलती हुई देखी और उसी समय मानव इतिहास में आग की खोज हुई। जिस समय आग की खोज की गई थी उस समय के आदि मानवों को होमो इरेक्टस कहा गया। आग की खोज के बाद इन मानवों का जीवन आसान हो गया था। हमारे मानव इतिहास में आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी। अब ये होमो इरेक्टस मांस को पकाकर खाना सीख गए थे। आग की खोज से इंसान के एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। आग से ये मानव सिर्फ अपने भोजन को पकाकर खाना ही नहीं सीखे, बल्कि सर्दियों में सर्दी से बचाव और बड़े जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए भी ये आग का प्रयोग करने लगे थे। लेकिन इस समय का मानव अभी गुफाओं में ही रहता था और रात में सोने के समय गुफा के मुख्य द्वार पर आग जला लेता था, जिससे कोई भी जंगली जानवर गुफा के अंदर नहीं आ पाता था। इस समय का मानव बोलने भी लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि बोल तो हम भी रहे हैं, पर शायद आप नहीं जानते होंगे कि उन्होंने बोलने के नाम पर अभी सिर्फ अजीब अजीब सी आवाजें निकालना ही शुरू किया था, जिससे उनके समूह के लोग आपस में आवाज निकालकर अपने लोगों की बातों को समझने लगे थे। धीरे धीरे आवाज विकसित करके इन्होंने अब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। अब वो एक सामाजिक ढांचे में रहना सीख रहे थे। अब जब बात यहाँ एक सामाजिक ढांचे की आ गई है, तो शायद आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी कि आदि मानव संभोग कैसे करते थे, क्योंकि उस समय तो वो बिना कपड़ों और पत्तों के रहते थे। दोस्तों, जब नुकीले हथियारों और आग की खोज से पहले आदि मानव एक समूह में रहते थे, तो ये समूह काफी बड़ा होता था, जिससे इनका जब मन होता था तो ये वहाँ खुले में संभोग करना शुरू कर देते थे। क्योंकि उस समय इन मानवों की बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था और इन्हें अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं थी, तभी ये बिना सोचे समझे खुले में ही ऐसा कर लेते थे। दोस्तों, जब एक लंबे समय के बाद होमो इरेक्टस आदि मानव आए, तो एक समय बाद इनकी बुद्धि में काफी तेजी से विकास हुआ था। उस समय आग का आविष्कार हो चुका था। इंसान को अपने आसपास के वातावरण का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा था। इस समय का इंसान अपने तन को ढकने लगा था। अब वो अपने समूह को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रहने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वो चीजों को और अच्छे से समझने लगे। अब आदि मानव खेती करना सीख चुके थे और उस खेती से वो अनाज उगाकर अपना पेट भरने लगे थे। अब आदि मानव के जीवन में बदलाव आने लगा था और वो चीजों को सीखने लगे थे। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में काफी कुछ सीखता है और सारी उम्र सीखता ही रहता है, और हम इंसानों ने भी अपने जीवन काल में बहुत सी नई चीजों का आविष्कार किया है और आगे भी ये आविष्कार जारी रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे पूर्वजों का पूरा डिटेल्ड वीडियो, जिनकी वजह से आज हम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।